हेलो गाइस, तो चलिए आज आप लोग सामने और एक नया वीडियो लेके आया। आज का जो वीडियो टॉपिक है, आप लोग किचन चिमनी में पाइप कौन सा लगाएंगे। तो जो भी आपने चिमनी ऑनलाइन से मंगाया है या फिर आपने मंगाने के लिए सोच रहे हैं, तो उसका जो पाइप कौन सा लगाएंगे, ठीक है, कोई भी मॉडल हो सकता है, उसमें कौन सा पाइप आप लगाएंगे, सबसे बेस्ट कौन सा होगा, कितना साइज़ का होना चाहिए, ठीक है, और वो पीवीसी होना चाहिए या फिर एल्यूमिनियम होना चाहिए या फिर मोटा वाला पीवीसी पाइप होना चाहिए, कौन सा बेस्ट होगा, साइज में कितना फिट का होना चाहिए, सभी डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। सभी एल्यूमिनियम पाइप भी आपको दिखाएंगे, 6 इंच का पाइप भी बताएंगे, 8 इंच का पाइप भी बताएंगे, जो फॉइल पाइप मिलता है वो भी बताएंगे, इसका काम जो है ये भी बताएंगे, तो सभी डिटेल्स में बताएंगे। पाइप रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो भी आपके मन में आज तक है, वो सभी आज इस वीडियो में आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा। अगर कुछ भी चीज़ छूटे तो ये कमेंट कीजिएगा, आपको वहाँ भी बता देंगे, ठीक है। प्रयास करेंगे कि इसी वीडियो के अंदर में जितना सारा आप लोग आज तक क्वेरी किए हैं, सभी डिटेल्स में आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आप लोगों को, आप अगर कुचिना का चिमनी ले रहे हैं, अगर कुचिना का कोई भी चिमनी ले रहे हैं, तो कुचिना में पीवीसी पाइप नॉर्मली आता है, ठीक है। कुचिना में ये कोई भी मॉडल आप लेंगे तो कुचिना में पीवीसी पाइप, मतलब पाइप एक तो फ्री रहता है, कुछ कुछ मॉडल में पीवीसी पाइप मिलता है, वो भी कौन सा पाइप मिलता है बता दें, कुछ कुछ जो चिमनी है उसमें आपको ए वाला पाइप मिलेगा, ठीक है, ए वाला एक तो पाइप मिलेगा जिसका साइज होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है 150 mm, मतलब इसका जो डायमीटर है ये 6 इंच का डायमीटर है, ठीक है, ए वाला पाइप मिलेगा कुछ कुछ में, ठीक है, और बाकी कुछ मॉडल में आपको ए वाला फॉयल पाइप मिलेगा, ठीक है, ये भी 6 इंच का डायमीटर है, तो ये फॉयल पाइप है, ठीक है, ये पीवीसी है, प्लास्टिक का है, ये फॉयल पाइप है, ये भी खोल के आपको दिखा देते हैं सभी डिटेल्स में। तो जैसे कि भेंटो जो मॉडल है, आप अगर भेंटो मॉडल लेंगे तो उसमें ये वाला पाइप आपको मिलेगा, बाकी कुचिना का आदर्श जितना भी चिमनी है ज़्यादातर में ए वाला मिलेगा, 2-3 ऐसा चिमनी है जिसमें आपको ए वाला पाइप मिलेगा, ठीक है। तो कुचिना में आपको पीवीसी पाइप मिल रहा है, अभी साइज का मैटर आता है, तो साइज़ कितना होगा, ये जो पाइप आपको कुचिना चिमनी अगर आप ले रहे हैं तो इसका साइज पाइप कितना मिलेगा, इसका जो साइज आता है करीबन 5 से 6 फुट, कितना 5 से 6 फुट, 5.5 फुट आपको, आप जब इसको खींचेंगे, देखिए इसी प्रकार से रहेगा, जब आप इसको इस प्रकार से खींचेंगे तो ये लंबा होता जाएगा, ठीक है, फिर आप इसको इस प्रकार से दबाएंगे तो धीरे धीरे ये घुस जाएगा, ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से फिर से दोबारा ये घुस जाएगा, तो आप इसे लंबा भी कर सकते हैं, खुद से इसे इस प्रकार से लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा, इस प्रकार से आप इसको अच्छे से लगा पाएंगे, तो इसी प्रकार से ये रहता है, देखिए फिर से दोबारा जुड़ गया है, ठीक है, तो करीबन 5.5 से 6 फुट ये रहता है, सेम ये भी इसी प्रकार का इसी साइज में आता है। तो आपको पता चल गया, कुचिना चिमनी अगर ले रहे हैं तो उसका पाइप का साइज कितना आता है आपको पता चल गया है, ठीक है। अगर ये तो हो गया 6 इंच डायमीटर, ठीक है, ये जो डायमीटर है ये 6 इंच का है, दोनों का 6 इंच का डायमीटर है। आप अगर होल कटिंग करवाएंगे घर में, किचन में जो होल कटिंग करवाएंगे जहाँ से पाइप निकलेगा दीवार से, ठीक है, उसका साइज 1 इंच ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, करीबन कितना 7 इंच का होना चाहिए, देखिएगा क्यों होना चाहिए, देखिए ये काउल है, काउल ये इसमें जो बैठेगा, ठीक है, इस प्रकार से लगेगा, ठीक है, तो इस प्रकार से लगाएंगे, तो देखिए 6 इंच ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, इसका ऊंचाई देखिए तो करीबन 7 इंच लग रहा ही है, एक काउल भी उसमें से निकलेगा, दीवार से काउल भी निकलेगा, जिसके वजह से आपको 7 इंच का करना ही करना है, ठीक, फिर क्या होगा, पाइप भी अच्छे से निकलेगा प्लस जो काउल है वो भी अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। तो 7 इंच का आपको पूरा होल कटिंग करवाना है, ठीक है, तो आपको साइज भी पता चल गया है, जो होल कटिंग कितना इंच का करना है जो क्वेश्चन आ रहा तो वो भी आपको पता चल गया है। कुचिना का चिमनी अगर ले रहे हैं तो उसमें साइज आपको पाइप का साइज कितना आएगा वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से आपको दो पाइप लगेगा या 3 पाइप लगेगा 4 पाइप लगेगा वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया आपका।
अभी आता है और एक तो पाइप है यहाँ पर लगा रखा हुआ है, ये जो पाइप है आपका ये 8 इंच डायमीटर वाला पाइप है, कितना 8 इंच। देखिए दोनों सामने रखते हैं, ये 6 इंच का है 8 इंच का है, ठीक है, इस प्रकार से रखते हैं तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो 8 इंच डायमीटर वाला ये पाइप है, तो ये कौन कौन सा मॉडल में, कुछ ही ना में कुछ ऐसा मॉडल है जो बड़ा बड़ा जो मॉडल है, जैसे कि एस्टा और भी 2000 मॉडल है जिसमें आपको 8 इंच डायमीटर वाला लगेगा, क्या लगेगा 8 इंच डायमीटर वाला पाइप लगेगा, ये जो मुंह है इसका 8 इंच में लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका साइज दिया गया है 160 mm, कितना दिया गया है देखिए 160 mm, उसका कितना था 153, ठीक है, इसका है 160 mm, तो 8 इंच डायमीटर में ये है, ठीक है। तो इसमें अगर आप काउल लगाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए इसमें भी आराम से ये लग जाएगा, ठीक है, इसमें भी आराम से ये लग जाएगा, थोड़ा सा इसको घुसाना होगा, एकदम पूरा इसी प्रकार से लग जाएगा। तो आप अगर बड़ा वाला चिमनी ले रहे, मॉडल आपको हम दिखा देते हैं, आपको मॉडल हम दिखा देते, जैसे कि ये एस्टार एक्सल एस्टार डीएलएक्स मॉडल है, इसका जो एल्यूमिनियम पाइप या फिर पीवीसी पाइप लगाएंगे, इसका जो होल कटिंग करेंगे, उसके लिए आप दो पाइप जोड़ सकते हैं या फिर 8 इंच का दो पाइप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको होल कटिंग जो करना होगा करीबन 8 से 8.5, मतलब 8 तो है ही, करीबन आपको 8.5 इंच या फिर 9 इंच अगर करेंगे तो सबसे बेस्ट होगा, कितना करेंगे 8.5 से 9 इंच अगर करेंगे तो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो देखिए काउल है 8.5 इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि उसमें 1 इंच ज़्यादा बता रहे थे, इसमें 1/2 इंच कम बता रहे हैं, क्योंकि देखिए इसका साइज लगभग सेम है, तो 1/2 इंच भी आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा करेंगे साइज में तो फिर ये आराम से निकल जाएगा। तो आपको पता चल गया है कि कुछ कुछ मॉडल में आता है जिसमें आपको 8 इंच का पाइप भी लगेगा, मतलब 8 इंच डायमीटर वाला पाइप भी लगेगा, कुछ कुछ मॉडल है जिसमें आपको 6 इंच डायमीटर में भी लगे, ज़्यादातर मतलब 98% जो चिमनीज आता है वो सभी में 6 इंच का ही डायमीटर में आपको पाइप लगाना होता है, और नॉर्मली कंपनी ऐसा ही बनाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा मॉडल है जहाँ पर आपको 8 इंच का पाइप भी मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया है, तो वो आपको पता कैसे चलेगा, जब आप चिमनी लेंगे ऑनलाइन से या फिर रिटेल शॉप से, तो वहाँ पर पूछ लीजिएगा कि इसका जो होल कटिंग करवाना होगा वो कितना इंच का करवाना होगा, पाइप कौन सा लगेगा, 6 इंच का लगेगा या 8 इंच का, ठीक है। तो फिर आपका क्वायरी सॉल्व हो जाएगा वहीं पर, फिर आपको जो इस हिसाब से मैंने बोले उस हिसाब से आप इसको होल कटिंग को करवाना है, ठीक है। आप सिर्फ पूछ लीजिएगा कि 8 इंच का पाइप है या 6 इंच का, हो गया। फिर यहाँ पर अभी जो आता है एक चीज़ यहाँ पर है, देखिए ये चीज़ जो है ये कुछ कुछ मॉडल में फ्री आता है, कुछ कुछ मॉडल के साथ ही आता है। ये होता क्या है, इस प्रकार से आप इसमें कोई भी पाइप लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें ये इस प्रकार से ये रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से ये रहेगा, फिर क्या होगा, ये भी 6 इंच का हो गया है, ठीक है, इसमें भी ये भी 6 इंच का हो गया है, तो आप इसमें कोई भी पाइप एडजस्ट कर सकते हैं, आप ये वाला पाइप भी इसमें घुसा सकते हैं, ठीक है। पहले वो वाला रहेगा, उसके बाद आप चाहेंगे तो 6 इंच का भी पाइप उसमें जो है जोड़ सकते हैं, 6 इंच का ए वाला पाइप जोड़ेंगे या फिर ए वाला या फिर एल्यूमिनियम पाइप। तो जोड़ना अच्छा है या बुरा है वो भी बता देते हैं। एक आपने पीवीसी पाइप लगाए हैं, ठीक है, आपने जब इंस्टॉलेशन किए थे तब आपने पीवीसी पाइप लगाए थे, ठीक है, लेकिन आप बाद में बोले कि मुझे और ये तो घट गया है और एक तो पाइप लगाना है, तो उस टाइम में एल्यूमिनियम पाइप जोड़ना सही है या गलत है, आप अगर जोड़ेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, एल्यूमिनियम के साथ पीवीसी के साथ एल्यूमिनियम जोड़ेंगे तो अच्छा नहीं होगा। आप जो भी पाइप लगाए हैं वही पाइप को आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सभी पीवीसी पाइप वगैरह काउल, और इसको लगाना मास्ट है, इसको अगर लगाएंगे तो इसका काम आपने ऑलरेडी हो सकता है कि वीडियो देखे होंगे, नहीं तो फिर भी हम बता देते हैं। इसका जो काम है ये तो बाहर तरफ रहेगा, ठीक है, ये तो चिमनी के साथ में लगेगा एक साइड में, एक साइड बाहर तरफ रहेगा, तो बाहर तरफ से अगर कोई भी चीज़
जो भी है पंछी वगैरह बर्ड वगैरह ठीक है, तो उसमें से इसमें नहीं घुस पाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कवर रहेगा इस प्रकार से, और इसमें प्रॉपर तरीके से क्या होगा, वेंटिलेशन मिलेगा और कोई भी इसमें जो है भी घुस नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये एक सेफ रहेगा। और क्या होगा, और एक चीज़, अगर आप बाहर तरफ इसको रखेंगे तो जब भी कोई बारिश के वक्त या फिर जब ज़ोर से हवा चलेगा उस टाइम से, तो क्या होगा, उस टाइम में क्या होगा, ज़ोर से आंधी जब आता है तो क्या होता, पूरा सब कुछ बहुत कुछ जो गंदगी है वो उड़ के क्या होता है, इसी में होके आपका चिमनी के अंदर चला जाएगा। तो ये अगर कवर रहेगा फिर उसमें से कुछ भी घुस नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो बाहर तरफ रहेगा आपका घर के बाहर, तो आपको पता नहीं चलेगा। आप इसको अगर इसी प्रकार से खुला छोड़ेंगे तो कुछ भी इसमें घुस पाएगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से आपको ये कवर करके रखना है और काउल लगाना जरूरी है। ये पीवीसी का है, ठीक है, ये टूटेगा नहीं, ऐसे कुछ भी होगा नहीं, ठीक है। अगर आप इसका भी एल्यूमिनियम का भी आता है, ठीक है, वो नॉर्मली बाज़ार में मिलता नहीं है, तो एल्यूमिनियम की भी आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही पसंद करता है क्योंकि ये कम प्राइस का भी है, मतलब आप लोगों का बजट में भी होगा, अच्छा क्वालिटी का भी होगा, नॉर्मली इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं, ठीक है। और पीवीसी आप लोगों को लगाना चाहिए या फिर एल्यूमिनियम का पाइप लगाना चाहिए वो भी आप लोगों को हम बता देते हैं। जैसे कि देखिए, आप अगर एल्यूमिनियम पाइप लगाएंगे, ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का एल्यूमिनियम पाइप का बॉक्स आएगा। इसमें देखिए मैट्रिक्स का है, जैसे कि 6 इंच का डायमीटर है और 10 फीट का यहाँ पर लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम डार्क फ्लेक्सिबल पाइप मेड विथ प्योर एल्यूमिनियम, ठीक है। एग्जॉस्ट HVC यूज इन चिमनी, एग्जॉस्ट HVAC सभी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको एल्यूमिनियम पाइप को हम आपको निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये एल्यूमिनियम पाइप आपका निकल गया है, ठीक है। तो इसका ये जो देखिए यहाँ पर ये छोटा लग रहा है आपको, ठीक है, करीबन 3 से 3.5 फुट आपको लग रहा है, लेकिन आप इसको जो एक बार खींचेंगे, जैसे पीवीसी आप एक बार इस प्रकार से खींचने के वक्त दोबारा घुसा सकते हैं। अगर इसको आप खींच दिए एक बार, फिर से आप घुसाने जाएंगे तो मुश्किल है, ठीक है। तो आपको इसको खींचना नहीं है, घर में आप अगर लाए हैं तो इसको आपको खींचना नहीं है, ठीक है। जब आप इसको लगाने जाएंगे, जो टेक्नीशियन लगाएगा वही खींचेगा एकदम 1 इंच पूरा सब कुछ पूरा। ये जो देखिए यहाँ पर जितना भी बैंड वगैरह है सभी पूरा एकदम प्लेन हो जाएगा, ठीक है, एकदम पूरा। और ये करीबन खींचने से नॉर्मली जो एल्यूमिनियम पाइप आता है 6 से 6.5 फुट में आता है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा ही हुआ है 10 फीट आएगा, मतलब पूरा एकदम खींच के लंबा कर देंगे तो तब जाके ये एकदम, ये देखिए इस प्रकार से ये निकलता जाएगा और ये इस प्रकार से ये सीधा हो जाएगा, ठीक है, एकदम पूरा सीधा हो जाएगा। तो उस वक्त आपको ये करीबन ये वाला तो 10 फीट में आएगा, लेकिन बाकी जो है 6 से 7 फुट में आएगा, ठीक है। तो आप अगर कौन सा पाइप लगाएंगे, एल्यूमिनियम पाइप लगाना सही है या फिर पीवीसी पाइप लगाना सही है या फिर ये जो फॉयल पाइप यहाँ पर लगा हुआ है ये वाला लगाना सही है। तो चलिए इसको भी खोल के आप लोगों को दिखा देते हैं। तो इसे भी खोल के दिखा देते हैं। तो ये वाला पाइप अगर आप लगाएंगे तो ये देखिए ये एकदम क्या है, एकदम पतला है और ये कागज़ टाइप का है, ठीक है। तो इसको लगाएंगे तो ये कुछ भी कारण से ये छेदा हो सकता है, जो कि जब टेक्नीशियन जाता है आपके घर में चिमनी का सर्विसिंग वगैरह करने, ये तो फिर उस टाइम में क्या होता है, पाइप को भी आपको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ता है साइड को, तो उस टाइम में एक थोड़ा सा हल्का सा लग जाएगा ना, तो ये फटक से छेदा हो जाएगा क्योंकि ये पतला पेपर का जैसा है, ठीक है, फॉयल पाइप। तो इसको आप लोग मत लगाएंगे, ठीक है। चिमनी अगर लगाना है तो इससे लगाएंगे तो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, ठीक है। तो इसे आप मेरे रिकमेंडेशन से तो ये बाहर है, ठीक है।
हाँ पीवीसी, आप लोग अगर पीवीसी लगाएंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा? इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली कंपनी जो देता है वो तो पीवीसी देता ही है। तो इसमें जो होगा करीबन आप अगर इसे लगाएंगे तो 2-3 साल तक ये इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, 2-3 साल आराम से चल जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोगों को हाथ इसमें दिख रहा होगा, ठीक है। तो 2-3 साल इसमें होता क्या है, गर्म हवा इसमें तो जाता है तो फिर तेल किस प्रकार जाता है, तो धीरे 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 क्या होता है, इसका जो क्वालिटी है अभी जितना मोटा है धीरे धीरे पतला हो जाता है। पतला होने के वजह से एक टाइम के बाद जब भी वो जो चीज़ मैंने फॉयल पाइप के लिए बताया था कि सर्विसिंग वगैरह करने जाता है उस टाइम में पाइप आपको खोलना पड़ता है, क्योंकि चिमनी उतारने का वक्त तो पाइप को आपको खोलना ही है, तो उस टाइम में कोई भी कारणवश तो उसमें भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो पाइप थोड़ा सा भी छेंदा हो जाएगा तो फिर आपका घर में पूरा धुआं भर जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम आएगा, तो फिर उस टाइम आपको पाइप चेंज करना होगा। तो ये प्रॉब्लम आता है, लेकिन पीवीसी आप लगाएंगे तो 2-3 साल आराम से जाएगा अगर आप इसे लगाएंगे तो, ठीक है। तो जो कि कंपनी के साथ फ्री में आता है, सभी कंपनी अभी नॉर्मली दे रहा है पीवीसी पाइप, तो आप इसे लगाना चाहेंगे तो लगा, अगर चाहेंगे तो आप लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एल्यूमिनियम पाइप अगर लगाएंगे, जो एल्यूमिनियम पाइप आप लोगों को हम दिखाए हैं, अगर एल्यूमिनियम पाइप आप लोग लगाएंगे तो फिर वो बेस्ट क्वालिटी का रहेगा, ठीक है, वो आप लगा लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मली अभी जो भी चिमनी लगाता है तो एल्यूमिनियम पाइप ही लगाता है, तो आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा करीबन वो फुट के हिसाब से मिलता है, साइज़ के हिसाब से मिलता है, करीबन 600, 700, 1000, 1200, 10 फीट का कोई 1200 लेता है, कोई 800 लेता है, तो आप साइज़ के हिसाब से ब्रांड के हिसाब से भी आपको पाइप मिल जाएगा। वो ऑनलाइन में आप देखिए कि बहुत सारा कंपनी का एल्यूमिनियम पाइप आता है, तो आपको वो बजट में, तो एल्यूमिनियम पाइप लगाएंगे तो उसका वारंटी है, मतलब उसका जो लॉन्जिबिलिटी है वो पीवीसी पाइप से करीबन 2-3 गुना ज़्यादा है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता ही नहीं है, गलने का अदर्स कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, अगर उसके आप खुद से छेंदा ना कर दीजिए, छेंदा करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, खुद से जब तक नहीं करेंगे तो उसमें इसी वजह से उसका लॉन्जिबिलिटी ज़्यादा है, जब तक आपका चिमनी चलेगा तब तक आपका जो है एल्यूमिनियम पाइप वो चलता आ जाएगा। तो एक बार आप जो पीवीसी पाइप का नॉर्मली प्राइस आता कितना है, 600-700 में आपको ये पीवीसी पाइप मिल जाएगा, इससे थोड़ा सा एक गुना ज़्यादा है 600, और एल्यूमिनियम पाइप आपको करीबन 1000-1200 या 1500 में मिल जाएगा फुट के हिसाब से। तो थोड़ा सा 600-700 रुपये और खर्चा करके आप एक बार जो एल्यूमिनियम पाइप लगा लीजिए, फिर क्या होगा, आपका लाइफ टाइम जो चिमनी का वारंटी रहता है 9 साल, 10 साल, 12 साल का जो वारंटी रहता है, उतना दिन तक जब तक आप चिमनी को खोल नहीं देंगे, फेंक नहीं देंगे, तब तक आपका पाइप चलता रहेगा। तो एक बेस्ट क्वालिटी है एल्यूमिनियम पाइप अगर आप लगा लेंगे। एक चीज़ आपको, आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए, पीवीसी पाइप या फिर कोई भी पाइप जब आपका घर में लगाएंगे, ठीक है, पाइप आपका घर में जब आप लोग लगाने जाएंगे तो बैंड कम रखिएगा, जितना कम बैंड होगा पाइप में उतना आपका नॉइज़ लेवल कम होगा, जितना ज़्यादा बैंड करेंगे उतना आपका घर में जो चिमनी का जो नॉइज़ लेवल है वो बढ़ता जाएगा। किचन चिमनी का जो नॉइज़ लेवल होता है, नॉर्मली जो चिमनी का दिया रहता है 56 डेसिबल, 58 डेसिबल, 62, जो भी चिमनी का वो अलग अलग ब्रांड का अलग अलग डेसिबल का हिसाब से चिमनी का नॉइज़ लेवल होता है 46 वगैरह से, ठीक है। तो आप अगर लो नॉइज़ लेवल चिमनी खरीदे हैं पैसा दे के, और आप अगर एक पाइप लगाया है 20 फुट का और वहाँ पर 5-6 टो आपने बैंड दे दिया है, तो फिर आपका कहानी ख़त्म, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आपने पैसा खर्चा किया था वो खर्चा आपका वहाँ पर वेस्ट हो जाए, क्योंकि बैंड जितना करेंगे उतना ज़्यादा नॉइज़ लेवल बढ़ेगा, उतना ज़्यादा सक्शन पावर कम हो जाएगा। तो जितना छोटा आप पाइप को रखेंगे, पाइप जितना अगर 3-4 फुट अगर रखेंगे चेष्टा करेंगे, तो फिर क्या होगा, आप अगर 800 सक्शन वाला भी चिमनी अगर खरीदेंगे ना, तो फिर आपका 1200 सक्शन पा, आप अगर 800 सक्शन वाला चिमनी खरीदेंगे तो उसमें ही आपका काफ़ी हो जाएगा, अगर आप 3 फुट का या 4 फुट का पाइप लगा रहे हैं। और अगर आप अगर 1200 सक्शन का चिमनी खरीदे हैं और उसमें आप 20 फीट का पाइप लगा दिए हैं, तो फिर वो बेकार जाएगा, क्योंकि जो आपका 800 सक्शन वाला चिमनी काम कर रहा है वो आपका 1200 सक्शन वाला चिमनी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने 20 फीट का पाइप लगाए हैं, 5-6 टो बैंड दे दिए हैं, तो उसमें नॉइज़ इंक्रीज भी होगा प्लस सक्शन भी प्रॉपर नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जब भी आप पाइप लगाएंगे, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम बहुत आएगा।
ठीक है। हाँ, और एक जो पाइप मिलता है नॉर्मली, जो कि ड्रेनिंग, जो कि आप घर में जब नया घर बनाते हैं तो पाइप जो लगाते हैं पीवीसी पाइप ड्रेनिंग वगैरह करने के लिए, मोटा मोटा पीवीसी पाइप, आप लोगों अगर वो वाला पाइप अगर लगाएंगे तो उसमें होगा क्या? उसमें कुछ नहीं होगा, उसका कॉस्ट ज़्यादा है। उसका कॉस्ट ज़्यादा होने के वजह से आप लोग शायद नॉर्मल कोई भी लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उसका कॉस्ट आप लोग मान लीजिए इसे ही लेने के लिए आप लोग सोचेंगे कि इतना बड़ा पाइप हम मतलब इतना रुपया 600-700 रुपया दे के हम एल्यूमिनियम पाइप क्यों लगाएं, इसे ही लगा लेते हैं फ्री में मिल रहा है, ऐसा आप लोगों का सोच है बहुतों का। आप बहुत का सोच है नहीं, एक बार लगाएंगे तो अच्छा क्वालिटी का लगाएंगे, तो वो आप देख लीजिएगा आपका हिसाब से। आप अगर उसको लगवाना चाहेंगे तो उसको ऐसा कोई टेक्नीशियन लगा नहीं पाएगा, जो कि उसका काम करता है वही सब लगा पाएगा, ठीक है। तो उसको लगाने के लिए आपको जो नॉर्मली पाइप लगाने से जो खर्चा आता है उससे 2-3 गुना ज़्यादा खर्चा उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आपको 9-10 साल जो आपका एल्यूमिनियम पाइप दे ही रहा है तो आपको वो पाइप लगाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और तो आशा करता हूँ कि वीडियो में जो जो चीज़ आपको मतलब चाहिए था सभी चीज़ें मिल गया है। जो अगर इसके बाद भी आपका मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको आगे गाइड कर देंगे, ठीक है। या फिर मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, फेसबुक में फॉलो कीजिए, ठीक है, ट्विटर भी, सब कुछ सब जगह में मुझे फॉलो करके रखिए। कोई कहीं पर आपको मुझे बात करना है तो वहाँ पर मैसेज कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। तुरंत नहीं होगा तो कुछ दिनों बाद मतलब 2-3 दिन के अंदर आपको जरूर दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल नोटिफिकेशन उसको दबाइए और वीडियो को ज़्यादातर ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। फिर क्या होगा, आगे भी इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड गुड नाइट।